नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करते हैं और आप सभी को दिल से ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ मूलांक दो के लिए अगस्त का महीना कैसा होने वाला है। ये जो भी 2023 जो चल रहा है और ये अगस्त का महीना, खास करके 2023 भी और ये अगस्त के महीने जो आठवां नंबर पे आ रहा है, ये आपके लिए कैसा होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो में ज़रूर बने रहे। अगर आपका जन्म की तारीख 2 तारीख, 11 तारीख या आपका 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो आप सभी मूलांक दो के होते हैं। तो 2 नंबर वाले बिल्कुल रेडी हो जाइए। और क्या सावधानियां करना है, क्या आपको परहेज करना है, क्या कुछ आपको मिलने वाला है, आपके मंथ कैसे जाने वाला है और किन बातों को आपको विशेष ध्यान है और क्या कुछ करने से आपके जीवन में और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, तो पूरा वीडियो में बने रहेगा, अंत तक बने रहेगा और लास्ट में आपको रेमेडीज बताऊँगा कि किन उपायों को करने से आपके जीवन, ये सिर्फ अगस्त ही महीना नहीं और भी मंथ आपके लिए अच्छा रहे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। धन्यवाद। और एक छोटी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुँचता रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें खुशी देता है, हमें और मोटिवेशनल, वो अपने अंदर एक प्रेरणा आती है, क्योंकि आप सभी का एक दुलार प्यार हमें और आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है और कहीं ना कहीं आपके लिए मेहनत करके और ऐसे ही वीडियो आपको बनाते रहूँगा ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चलिए उस परेशानियों में आपको समाधान मिले और आप भी जीवन में खुशहाल रहें, पूरे परिवार के साथ खुशहाल रहें, तो वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। मूलांक दो, अगर आपका जन्म की तारीख 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है तो ऐसे लोग समझ लो कि आप 2 नंबर चंद्रमा का है, चंद्र का है और मदर से भी जोड़ा जाता है, माँ का भी है। ऐसे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं ये जो अगस्त का महीना है थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा देता है, स्ट्रगल ज़्यादा कर देता है, क्योंकि 2 और अगस्त को जोड़ते हैं तो नंबर 8 पे आता है, यानी कहीं ना कहीं 2 और 8 का है और जब 2 और 8 मिलता है तो संघर्ष का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोगों को किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती, खास करके जो आपके लिए जो अगस्त का महीना जाने वाला है इतना आसानी से सफलता मिलने वाली नहीं, कहीं ना कहीं परेशानियाँ समस्याएँ खड़ी कर जाती है। दूसरा है कि किसी भी काम के लिए इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और इस कार्य को, खास करके जब अगस्त के महीने में कोई भी कार्य करे तो आपकी थोड़ी स्ट्रगल और परेशानियों के साथ रहेगा। इसके साथ साथ आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड खेती के काम करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट का काम करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलने में थोड़ी विलम्ब हो सकती है, बट वीडियो में बने रहेगा। सफलता मिलेगी कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा, आपको रेमेडीज भी आज देके जाऊँगा, आप जो उपाय करेंगे तो आपके जो चीज़ें हैं बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी। दूसरा है 2023, अगर इसे जोड़ते हैं तो अगेन 7 नंबर पे आता है, अरे खुद ही इमोशनल का नंबर है। अगर ऐसा 2 नंबर वाले हैं वो लड़का हो या लड़कियां हो, कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं और इसके साथ साथ लड़की या लड़कियां 2 नंबर वाले को भी हो, मेल फीमेल हो, ऐसे लोग या तो खूबसूरत पर्सनैलिटी का तो होते हैं, एक अच्छे पर्सनैलिटी, एक अच्छे व्यक्तित्व का होते हैं और इसके साथ साथ क्या होता है कि ऐसे लोग 2 नंबर वाले के ना दूसरे व्यक्ति को योर भी आकर्षित हो जाते हैं कि और सामने वाला व्यक्ति जो होता है ना कैसा भी हो उसके पास भी ऐसे लोग अट्रैक्शन में फंस जाते हैं, आकर्षित ज़्यादा होते हैं। खास करके ये महीना जो अभी अगस्त का है, थोड़ा चीज़ों को बहुत सोच समझ के परख के वो कार्य करें, क्योंकि कहीं कुछ लोग रिलेशनशिप में धोखे खाते हैं, कहीं बिजनेस में धोखे खा जाते हैं, तो आपको ये परहेज करना। अगर विद्यार्थी हैं तो किसी के अट्रैक्शन में, आकर्षित चीज़ों में ना फंसें कि मुझे अच्छा लग रहा है वो चीज़ खरीदूंगा तो ही आगे पढ़ पाऊँगा, उसके बिना मेरा स्टडी ब्रेक हो जाएगी, उस कार्य के बिना मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, दोस्तों ऐसा नहीं है, उसे कंट्रोल करें। खास करके इस मंथ में आपको ऐसे कोई भी चीज़ के लिए रिजिड होना, इमोशनल होना नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपका ये मंथ आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। और इनमें से और भी कई गुण होते हैं जो कई बार इनको अलग अलग गुणों के कारण इनके लाइफ में और आपके परेशानियां देती रहती है और पड़ भी जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, आप 2 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं बहुत लॉजिकल होते हैं, आर्गुमेंटेटिव ही होते हैं और मूलांक 2 और महीना अगस्त यानी 8 वाले के लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, वो हेल्थ इश्यू हो
या कॉमन प्रॉब्लम हो, या आपकी रिलेशनशिप हो, या मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम हो, कहीं न कहीं आप अगर पति पत्नी हैं तो आपस में मतभेद लड़ाई झगड़ा का भी संभावना क्रिएट हो जाता है। आप अगर रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हैं, तो कहीं न कहीं आपस में नोकझोंक चीज़ें ये होने की भी संभावना है। तो प्लीज़ चीज़ों को बैलेंस करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करें, समझें, कोई भी ऐसी कार्य न करें, क्योंकि ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर बेवजह की बात छोटी है बट उसमें लड़ जाएंगे, तो उस पर आपको कंट्रोल करना है, वैसा नहीं करना। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास कोई भी कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, तो उसे पोलाइटली वे में पेश आए, अच्छे से व्यवहार करें, दो तुक शब्दों में ना उन्हें ना बोले जो उनको बुरा लगे, ताकि आपके पास उस चीज़ों को, उस वस्तुओं को ना खरीद कर किसी और के पास चले जाए। तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको परेशानियाँ का सामना करना पड़े, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर आपको इरिटेट होना, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अब बात आती है जरूरत आपको करना क्या है। अभी आपको इस मंथ हार्ड वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क करने के बाद ही आपको सक्सेस, सफलताएं मिलती है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क का शनि आपको कुछ देने वाला नहीं है। तो आपको हार्ड वर्क जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है, और हार्ड वर्क करेंगे उसके बाद आपको जो सफलताएँ मिलेगी तो उस सफलता का आप आनंद भी ले पाएंगे। तो हार्ड वर्क जरूर करें, वर्क तो सभी करते हैं, बट आपको, आप सभी को हार्ड वर्क करना। ऐसे लोगों के मन में हमेशा कुछ न कुछ चलते रहता, सोच विचार चलते रहते, क्योंकि दो नंबर है चंद्र का है और मन चंचलता का कारण है, चंद्र में कुछ न कुछ चलते रहो। ऐसे लोगों को अगर मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं और अच्छे कर भी सकते हैं, अगर आप कोई मेडिकल का फील्ड चुनते हैं, आप अगर एजेंसी है मेडिकल का, दवा है, या मेडिकल लाइन से जुड़े जो भी चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छा। और विद्यार्थियों के लिए है, मन को चंचल ना होने दें, मन को कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, तो आपके लिए अच्छा है। और ओवरऑल जो भी कपल्स और पति पत्नी हैं उन सभी के लिए जो मैं आज रेमेडीज बताने जा रहा हूँ, रेमेडीज करना है, सबसे पहले आपको शिव का आराधना करना है, शिव की पूजा करनी है, शिव को जितना ज़्यादा पूजा करेंगे, और खास करके अभी आपके लिए स्पेशल क्या है कि सावन का महीना भी चल रहा है, तो आपको शिव की पूजा अवश्य करनी है। जितना ज़्यादा भोलेनाथ शिव को, शिव परमात्मा को, शिव बाबा को प्रसन्न करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है ये अगस्त का महीना। साथ ही साथ आप सभी अपने नियम को भी बैलेंस करें, आप अपने नियम को कोशिश करें 5 पे लेके जाएँ, 7 पे लेके जाएँ, अगर 3 पे लेके जाएँ, तो नहीं 3, 5, 7 इस नेम पर आप अपने नेम को बैलेंस करें तो आपके लिए उत्तम और अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों को अगर जितना ज़्यादा करेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में परेशानियाँ जो है आपकी कम होने लगेगी, और अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको कुछ चीज़ को अवॉइड करना है, आपको ब्लैक कलर यूज ना करें, ब्लू कलर यूज नहीं करना है, इस कलर को अवॉइड करना, और आपके लिए जो लक्की नंबर है 3, 5 एंड 7। साथ ही साथ जितना लाइट कलर को यूज करें वो लाइट कलर आपके लिए वरदान है, वाइट कलर यूज करें, ग्रीन पहन सकते हैं, येलो कलर का यूज करें, जितना लाइट कलर आप पहनेंगे उतना आपके लिए लकी और अच्छा रहेगा। और अंत में ही बताऊंगा दोस्तों, आप सभी भी अगर हमारे से न्यूमरोलॉजी का क्लास सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लास चालू है, काफ़ी बैच निकल गया है, अभी इस विद्या को सीखे एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आपको लगता है कि आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, इस विद्या को ऑकल्ट फील्ड में आना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके अंदर अगर इंटरेस्ट है तो आप भी इस विद्या को सीखें और आप अपना इनरोल करवाएं। डिटेल्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करें, और आप भी एक अच्छे एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनके आप एक मंथ का एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें ताकि जो भी हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मूलांक 3 वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ओम शांति, ओम शांति, धन्यवाद।